हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं द हैक ड्राइवर चैप्टर 8, जो कि फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर है। द हैक ड्राइवर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें एक लॉयर है जो कि ओलिवर लुटकिंस की तलाश में उसके गांव जाता है, लेकिन ओलिवर लुटकिंस उसको बहुत ही बुरी तरह बेवकूफ़ बना देता है। तो आइए स्टोरी देखते हैं। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ऑनर्स आई बिकेम ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन ए मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। ऑनर्स से ग्रेजुएट करने के बाद मैं, जो नरेटर है, वो एक असिस्टेंट क्लर्क हो गया, एक लॉ फर्म में असिस्टेंट क्लर्क हो गया। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स। तो उसका काम क्या था? वो जो लोगों की तलाश में जाता था एज ए डिटेक्टिव, समन देने के लिए, जो भी कोर्ट के ऑर्डर होते थे समन, उसको देने के लिए वो दूर देहात इलाकों में जाता था डिटेक्टिव बन करके। और कभी कभी उसको बहुत ही डर्टी जगहों पर जाना पड़ता था और अपने विक्टिम की तलाश करनी पड़ती थी। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। और कभी कभी, चूंकि वो बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट था, इस वजह से उसको ये मतलब लोग उस पर विश्वास करते थे, इसलिए कभी कभी ये काफ़ी मुसीबत में पड़ जाता था। लेकिन उसको ये जॉब पसंद नहीं था। कह रहा है कि मुझे ये जो, आई हेटेड द अनप्लेजेंट वर्क एंड द साइट ऑफ द सिटी लाइफ इट्स रिवील्ड टू मी। और चूंकि वो सिटी में रहता था, इसलिए गांव देहात में जाने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी। उसको इस तरह का जॉब पसंद नहीं था। आई इवन कंसिडर्ड फीलिंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन ए रियल लॉयर राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। तो कई बार सोचता था कि अपने गाँव जाए और वहाँ पर अच्छे से रहे, लेकिन चूंकि वो सिटी में जॉब कर रहा था तो ये संभव नहीं था। सो आई रिजॉइस वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 माइल्स इन द कंट्री। एक बार वो लोग, मतलब जो भी जहाँ पे वो काम करता था, वो काफ़ी दूर उसे भेज दिए, करीब 40 माइल्स अवे भेज दिए और न्यू मुलियन टाउन में भेज दिए। न्यू मुलियन टाउन में उसको जाना था, एक ऐसे आदमी को समन देना था जिस आदमी का नाम था ओलिवर लुटकिंस, और उसको एक विटनेस, मतलब एक लॉ केस में विटनेस के लिए, मतलब गवाह के तौर पर उसको लोग बुला रहे थे, और वो सभी लेटर्स को इग्नोर कर देता था। तो नरेटर की ड्यूटी लगी कि वो ओलिवर लुटकिंस की तलाश में जाए। व्हेन आई गॉट टू न्यू मिलियन माई ईगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वर सीवियरली डिसअपॉइंटेड। और जब वो उस जगह पे गया तो उसका जो है सपना चकनाचूर हो गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि बहुत ही सुंदर सा और बहुत अच्छा सा गांव होगा। लेकिन जब वहां पे पहुंचा और वहाँ की जो गली थी इतनी गंदी थी, कीचड़ से भरी हुई, और लकड़ी के दुकानें वगैरह थे, और उस तरह का कंडीशन देख के ये अपसेट हो गया। दुकानों की जो पेंट थी उखड़ी हुई थी। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। सिर्फ उसको एक सीन अच्छा लगा वो ये था कि स्टेशन के बाहर एक डिलीवरी मैन था जो कि उसके इंतज़ार में खड़ा था। वो लगभग 40 साल का था, रेड फेस था, चीयरफुल दिखने वाला, और मिडिल एज का था, और वो उसने गंदे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन बहुत ही फ्रेंडली वे में बात कर रहा था। उसने कहा, आई वॉन्ट टू फाइंड अ मैन नेम ओलिवर लुटकिंस। तो नरेटर ने बिना देखे समझे कह दिया उस आदमी से कि मुझे ओलिवर लुटकिंस की तलाश है। तो उसने कहा, लुटकिंस आई सा हिम अराउंड हियर। यहीं से उसने बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि लुटकिंस को तो मैंने अभी 1 घंटे पहले ही देखा था, और लास्ट में पता चलेगा कि वो स्वयं लुटकिंस है। हार्ड फेलो टू कैच थ्रू दो। कहा कि ऐसे आदमी को पकड़ना तो बड़ा मुश्किल है, ये बहुत ही ऐसा आदमी जो है पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। और ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप ए पोकर गेम। और वो, उसने कहा कि हो सकता है वो फ्रिड्स के शॉप पे और पोकर गेम खेलने गया हो। और कहता है कि मैं आपको बताऊंगा कि लुटकिंस को हम कहाँ पकड़ सकते हैं। तो नरेटर को उस पर विश्वास होने लगा और उसने कहा, हाँ मुझे भी जल्दी है, मुझे दोपहर के ट्रेन से वापस जाना है,
और बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसका पता लगाना। तो उस पर्सन ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, लेकिन इसके लिए हैक करना पड़ेगा, घोड़ा गाड़ी, जो गाड़ी होता है जिसको घोड़े खींचते हैं, कहा ये करना पड़ेगा। एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर, और कहा हम साथ में चलेंगे और लुटकिंस को पकड़ेंगे, और मुझे पता है कि वो कहाँ कहाँ पर जाता है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद वार्म्थ ऑफ हिज अफेक्शन। तो नरेटर उसके फ्रेंडली बिहेवियर से बहुत प्रभावित हुआ, और वो जिस तरीके से बात कर रहा था उसे लगा कि उसका जो बिजनेस है उसका काम आसान हो जाएगा। बट हिज काइंडनेस वॉज रियल, वो बहुत ही काइंडनेस के साथ और बहुत ही ग्लैड मूड में था, और वो कह रहा था कि मुझे पता है कि लुटकिंस कहाँ है। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 an hour, और बात तय हो गई कि लगभग 1 घंटे का $2 वो लेगा। एंड देन ही बॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर वेल सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स, और फिर वो कुछ देर में काले बॉक्स वाली गाड़ी ले आया, और उसने कहा कि यही मेरी गाड़ी है। वेल यंग मैन, हियर इज ए कैरिज, कहा कि ये गाड़ी है। एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इंटू एन ओल्ड फ्रेंड, और उसने जिस तरह से स्माइल किया नरेटर को लगा कि वो मेरा लग रहा है जैसे पुराना कोई मित्र हो। देयर दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर, तो उसने कहा कि यहाँ के लोग स्ट्रेंजर का स्वागत बहुत ही अच्छे से करते हैं। अब चूंकि नरेटर पहली बार आया था इसलिए उसको अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी, और ऐसा लग रहा था जैसे ओलिवर लुटकिंस की तलाश करने का सिरदर्द उसी के, मतलब उसने ये पाल लिया है, उसको अपना बर्डन समझ लिया है, ऐसा नरेटर को लग रहा था। ही सेड आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफियर यंग फेलो, बट माई गेस इज दैट यू वॉन्ट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें, नरेटर से कहा कि तुम्हें कुछ पैसे लेने हैं क्या उससे। ही नेवर पेज एनी बडी अ सेंट, क्योंकि लुटकिंस कभी भी किसी के पैसे वापस नहीं करता है। ही स्टिल ओज मी 50 सेंट्स ऑन ए पोकर गेम, उसने पोकर गेम में मुझे, मतलब मुझसे 50 सेंट्स भी लिया है। एंड आई वॉज फूल फूल एनफ टू प्ले विथ हिम, और उसने कहा लुटकिंस की मैं बेवकूफ़ जो उसके साथ खेला। ही इज़ नॉट रियली बैड बट इट इज़ हार्ड टू मेक हिम पार्ट विथ हिज मनी, कहा वो बुरा तो नहीं है लेकिन पैसे के साथ वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है, मतलब पैसे किसी को वापस नहीं करता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी यही है। तो उसने बताया कि ये बात है। इन दोज फैंसी क्लोज ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू, साथ में उसने सजेशन दिया कि जिस तरह के तुम कपड़े पहने हो, फैंसी कपड़े, शहरी जानते हो, शहरी जैसे लग रहे हो, तो इस तरह से पकड़ना आसान नहीं होगा। कहा कि सबसे पहले मैं जाऊंगा और तुम मेरे पीछे पीछे आना। आई लव्ड हिम फॉर दिस, तो ये जो उसकी आदत थी ये बहुत ही पसंद आया नरेटर को। और आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस विद द हैक ड्राइवर, कहा कि हैक ड्राइवर जो है के बगैर लुटकिंस को पकड़ना संभव नहीं होगा। आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन, और अब तो पक्का मैं लुटकिंस को पकड़ लूंगा क्योंकि ऐसा आदमी मेरे साथ है। आई टूक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस, और पूरी तरह उस पर विश्वास कर लिया। एंड आई टोल्ड हिम दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द समन, फिर उसने साफ साफ बता दिया कि मैं लुटकिंस की तलाश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसको कोर्ट का एक आदेश देना है। दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी विटनेस, ये आदमी गवाह बनने से बचता रहा है। वेन हिज इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस, और जब वो गवाह बनेगा तो हमारा केस सॉल्व हो जाएगा। द ड्राइवर लिसन केयर अर्नेस्टली, वो ड्राइवर जो खुद लुटकिंस था वो बहुत ध्यान से बात सुन रहा था। एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर, और फिर अंत में उसने मेरे कंधे पर जोर से मारा और कहा कि वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज, हम लुटकिंस को आश्चर्य में डाल देंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, और कहा कि चलो चलते हैं। मोस्ट फोक अराउंड हियर कॉल मी बिल, फिर उसने अपने बारे में बताया कि यहाँ के जो लोग हैं मुझे बिल के नाम से जानते हैं। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नुसन्स फैंसी कार्टिंग हैकिंग, का जो मेरा बिजनेस है उसका नाम है
विलियम मैग्नूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकी। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स। तो फिर नेटर ने कहा कि क्या हम फ्रिट्स की तलाश में चलें। तो इस तरह से दोनों जो है फ्रिट्स की तलाश में निकल पड़े, और उसने कहा कि उसको वो सारी जगह पता है जहाँ जहाँ पे वो लुटकिंस जाता है। तो मोस्ट फोक्स अराउंड हियर, ये हो गया है। यस लुटकिंस जस्ट लाइकली टू बी देयर एज एनी वेयर, प्लेज ए लॉट ऑफ पोकर। कहा कि जो लुटकिंस है ये पोकर गेम बहुत खेलता है। पोकर गेम का मतलब है कार्ड्स का गेम, ताश का जो गेम होता है। ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल, क्योंकि दूसरों को धोखा देने में एक्सपर्ट है। बिल सीम टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट, वो लुटकिंस के टैलेंट की तारीफ कर रहा था। मतलब डिसऑनेस्टली, बेईमानी मतलब गलत तरीके से उसकी प्रशंसा भी कर रहा था। आई फील दैट इफ ही हैड बीन ए पुलिस मैन, और मुझे लग रहा है कि वो पुलिस का होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ही वुड हैव कॉट लुटकिंस रेस्पेक्टफुली, ये जो कह रहा है ड्राइवर, कहा कि अगर मैं पुलिस होता तो उस लुटकिंस को बहुत अच्छे से पकड़ता एंड जेल्ड हिम विथ रिग्रेट, और उसको जेल में बंद कर देता। बिल लेट मी इनटू द फ्रिट्स, बिल जो था वो जो हैक ड्राइवर, वो नरेटर को फ्रिट्स के पास ले गया और उसे पूछा कि क्या तुमने लुटकिंस को देखा है। तो बिल ने भी हंसते हुए कहा कि फ्रिट्स लुक एट हिम हाइडिंग बिहाइंड बिल, जो फ्रिट्स था वो बिल के पीछे था, उसका चेहरा दिख नहीं रहा था नरेटर को, क्योंकि उसने कहा था कि आप सारी जैसा दिखते हैं, पहले मैं जाऊँगा। ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिटेड यस ही वॉज हियर अ वाइल अगो, फिर फ्रिज ने कहा कि हाँ कुछ देर पहले वो यहाँ पे आया था। गेस ही हैज़ गॉन ओवर टू गुस्टाफ, मुझे लगता है कि गुस्टाफ के पास गया है। वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, तो इस बिल ने कहा कि अगर वो आएगा तो बताना कि मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ। वेल इफ ही कम्स, तो उसने उल्टा कहा कहा कि अगर वो आएगा तो बताना कि मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ। वी ड्रोव टू गुस्टाफ ब्रदर्स शॉप, बार्बर शॉप, फिर गुस्टाफ के जो बार्बर शॉप से आगे बढ़े क्योंकि वहाँ से वो निकल चुका था। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, फिर जो है बिल सबसे पहले गया क्योंकि वो था तो लुटकिंस ही, तो अभी तो बेवकूफ़ बना रहा था। तो का एंड लिंगर्ड एट डोर, और दरवाजे पर ही खड़ा होकर बात कर रहा था। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीडी बट टू कस्टमर्स, उसने स्वीडन के रहने वाले दो कस्टमर से बात किया बिल ने, और राइटर जो नरेटर है वो दूर से देख रहा था। इफ दे हैड सीन लुटकिंस, और पूछा कि क्या वो लुटकिंस को देखे हैं। द स्वीडी हैड नॉट, स्वीडन ने कहा कि नहीं मैंने नहीं देखा है, लेकिन वो बहुत नाराज भी था। उसने कहा आई हैवेंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू, कहा मैंने उसको नहीं देखा है और पता नहीं, मैं उसकी परवाह भी नहीं करता। बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट डॉलर 35, कहा कि अगर तुम्हें मिले तो मेरे 35 डॉलर उससे ले लेना, क्योंकि उसने मेरा 35 डॉलर नहीं दिया अभी। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट, एक कस्टमर ने कहा कि शायद वो मेन स्ट्रीट की तरफ गया है, होटल के तरफ। एज वी क्लाइम्ड बैक इन टू द हैक, बिल कंक्लूडेड दैट सिंस लुटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्टाफ, तो फिर बिल ने कहा नरेटर से कि चूंकि गुस्टाफ के पास पैसा बकाया था, इसलिए वो उस बार्बर शॉप के पास नहीं बल्कि दूसरे के पास चला गया है शेविंग कराने के लिए, शायद ग्रे के पास गया है। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस लुटकिंस, जब वो ग्रे बार्बर शॉप पे गए वहाँ से भी लुटकिंस निकल लिया था 5 मिनट पहले। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, और शायद पूल रूम के लिए चला गया था। एट द पूल रूम आउट पूल रूम इट अपीयर्ड दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट, पूल रूम के पास लोगों ने बताया कि वो अभी उसने सिगरेट खरीदा था एंड गॉन आउट, और फिर चला गया, इसलिए अभी घूम रहे हैं पीछे पीछे। सो वी परस्यूड हिम, उसकी तलाश कर रहे थे। जस्ट बिहाइंड हिम, ठीक उसके पीछे ही थे। बट नेवर कैचिंग हिम, लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। लोग कह रहे थे कि अभी 5 मिनट पहले ही यहाँ से भागा है गया है। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, 1 घंटे बीत गए और 1:30 बज गए। आई वॉज हंग्री बट आई वॉज सो एन्जॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियन, लेकिन
नरेटर जो है वो बिल के उस तरीके से बहुत पसंद था, कॉन्फिडेंस से बहुत पसंद था, और उसने कहा कि करीब 1.5 घंटे से वो पीछा कर रहे थे, जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ से वो चला जाता था। बट आई हैड सो एंजॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियन, लेकिन जिस तरह से वो गांव के लोगों के बारे में बताता था और जिस तरह से उसको घुमा रहा था, नरेटर बहुत ही खुश था। अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्कार्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिस और नॉट, अभी वो चिंता छोड़ दिया था कि लुटकिस को पकड़ना है कि नहीं, बल्कि अभी तो काफ़ी वो इम्प्रेस था इसके इस बिहेवियर को देखकर। तो आगे का पार्ट सेकेंड वीडियो में देखेंगे।